बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो पराठाज तो हम पंजाबियों की फेवरेट लिस्ट में ज़रूर होता है। बट पूरा वीक तो हमारे घर में पराठाज नहीं बनते हैं ब्रेकफास्ट में, बट संडे जो है वो हमारा पराठा डे होता है। तो संडे ब्रेकफास्ट में कोई ना कोई स्टफ्ड पराठा हमारे घर में ज़रूर बनता है। बट जो उसकी स्टफिंग बच जाती है, तो इवनिंग में एज अ स्नैक मैं उस स्टफिंग से कुछ ना कुछ यमी सा बना लेती हूँ। तो आज हमारे घर मॉर्निंग में आलू पराठाज बने थे, तो उस आलू की कुछ स्टफिंग बच गई थी, तो मैंने उससे इवनिंग में पोटैटो पॉप्स बनाए हैं, जो कि बहुत ही यमी, क्रंची और डिलीशियस होते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं बनाने। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इनको। तो मॉर्निंग में ये पराठों की मेरे पास कुछ पोटैटो की स्टफिंग बच गई थी, इसमें नमक, मिर्च, मसाले सब एडेड हैं, तो मैं कुछ और ऐड नहीं कर रही हूँ। तो जितनी आपके पोटैटोज़ हैं उस हिसाब से हम बेसन ले लेंगे, इतना कि एक थिक सी स्लरी बन जाए जिसमें कि हम उसको कोट करके फ्राई कर सकें। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 स्पून बेसन ले रही हूँ, उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक, नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि पोटैटोज़ में ऑलरेडी है, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला या फिर चाट मसाला। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। अब फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, पानी एकदम से सारा नहीं ऐड करना है क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट वाली चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, बिल्कुल एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली हमें यहाँ पे स्लरी चाहिए जो अच्छे से उसको कोट कर सके, जो बॉल्स हम पोटैटोज़ की बनाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी बेसन की लम्प्स ना इसमें रहें, और आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी इतनी रहेगी, जो कि ना कि बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही वाटरी है। इसको अब साइड में रख लेते हैं। अब हमारे जो पोटैटोज़ हैं जो मॉर्निंग में बच गए थे, तो उनके हम बॉल्स बनाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो पोटैटोज़ थे वो थोड़े सॉगी हो गए थे, तो बॉल बनाने में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पोटैटोज़ बिल्कुल बॉल्स बनाने के लिए परफेक्ट हैं, हार्ड है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इस बेसन को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी सारे में। अब इनकी बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स रखने के लिए मैं यहाँ ट्रे में थोड़ा सा बेसन स्प्रेड कर रही हूँ ताकि जो बॉल्स हम बना करके रखें वो चिपके ना। अभी पाम पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे हाथ में भी वो बॉल्स जो है वो चिपके ना। तो ऐसे जैसे लड्डू बनाते हैं उस शेप में और उस तरह से हम इसमें बॉल्स बना करके सारे के सारे पोटैटोज की रख लेंगे। तो इस तरह से सारी जो स्टफिंग है इसकी हम बॉल्स बना लेते हैं। अब हमारी बॉल्स बन करके बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए, बट अगर ये बिल्कुल सही है, हार्ड है, ज़्यादा लूज़ नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम ले रही हूँ, इनफैक्ट ब्रेड क्रम की जगह मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो रस्क आते हैं ना, रस्क के पैकेट में नीचे काफ़ी सा पाउडर जैसा और क्रश्ड से जो रस्क होते हैं वो रह जाते हैं, तो मैं उनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ कभी टिक्की बनाने या इस तरह की रेसिपीज़ के लिए। तो अभी क्या करेंगे, हम बॉल्स को कोटिंग में जो हमने रेडी किया है उसमें डिप करेंगे और फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे जो रस्क का जो ये क्रम्स हैं, और उसके बाद उसको फ्राई कर देंगे। आप चाहें अगर आपके पास रस्क के क्रम्स या फिर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा एक क्रंची सी लेयर बनती है जो बहुत ही यमी लगती है और बड़ा अच्छा देखने में भी बहुत अच्छा टेक्सचर देती है और बहुत अच्छा फ्लेवर देती है।
चलिए हम अपने सारे पोटैटो पॉप्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम मीडियम फ्लेम रखेंगे। एक बार ऑयल को अच्छे से हीट अप कर लेंगे, गरम कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से एक क्रंची फ्लेवर आता है। अगर हाई फ्लेम पे करते हैं तो ये जल जाते हैं और अच्छे से सारे फ्राई नहीं हो पाते हैं और फ्लेवर भी ख़राब करते हैं। तो हमारे पोटैटो बॉल्स बिल्कुल फ्राई होकर के रेडी हैं और जो ब्रेड क्रम्स हमने यूज़ किए हैं उसकी वजह से ये बाहर से बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ये पॉप्स बच्चे और बड़े दोनों को ही बहुत पसंद आते हैं, इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी पसंद है और बहुत ही अच्छा एक इवनिंग स्नैक बन जाता है बची हुई स्टफिंग के साथ। ये पोटैटो पॉप्स आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी उनको डाल के दे सकते हैं, वो काफ़ी पसंद करते हैं। बट मेक श्योर कि ये टूथपिक्स के बिना ही दें उनको, सिर्फ पोटैटो पॉप्स ही दें, ये टूथपिक्स अवॉइड करें क्योंकि इससे वो एक दूसरे को हर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पोटैटो पॉप्स लोजी बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको ग्रीन चटनी, पुदीना चटनी या फिर टमाटो सॉस, जो भी आपके पास चटनी अवेलेबल है उसके साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यमी स्नैक बनता है ये और ये बहुत ही क्रंची होते हैं बाहर से और अंदर से सुपर सॉफ्ट होते हैं। लेट मी शो यू, देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से बिल्कुल बहुत ही क्रंची हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ और भी ढेर सारी इस तरह की रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ।